प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था वो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफाइन सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट इन HTML। HTML में सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होती है उनको डिफाइन करना हमने, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं सबस्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। सबस्क्रिप्ट इज अ वे ऑफ राइटिंग अ नंबर और टैक्स एट द फुट ऑफ नंबर और टैक्स बाय यूजिंग सब टैग, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, राइटिंग अ नंबर और टैग, जिसके जरिए नंबर या टेक्स्ट को हम लिखते हैं एट द फुट ऑफ नंबर और टैक्स, किसी नंबर और टैक्स के फुट में नीचे, बाई यूजिंग सब टैग। और सब टैग का हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, देखो CO2, तो यहाँ टू को जो है किसी टेक्स्ट के, या माँ हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर हो तो उसके फुट में हम इसको लिख सकते हैं, मतलब पैरों में लिख सकते हैं। तो तरीका ये है, जैसे मान लो यहाँ पे CO लिखा और यहाँ पे हमने सब टैग लगाया, आगे जो टू लिखा वो इसके पैरों में फिर चला गया, ठीक है। मतलब जो आउटपुट आएगी फिर ऐसे आएगी, ठीक है। तो HTML में अगर हमने किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को, किसी टेक्स्ट या नंबर के पैरों में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सब टैग से। उसका सेकंड जो है वो सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट जो है इसका उल्टा है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट इज अ वे ऑफ राइटिंग अ नंबर और टैक्स एट द हेड ऑफ अ नंबर और टैक्स बाय यूजिंग सुप टैग, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम किसी नंबर या टैक्स को किसी भी नंबर और टैक्स के हेड के ऊपर लिखते हैं, मतलब उसके ऊपर लिखते हैं। हेड मतलब ऊपर, मतलब उसके सिरे पे लिखते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग SUP टैग। जैसे यहाँ पे है PH4, तो 4 को जो है ऊपर लिखा हुआ है एट द हेड ऑफ टैक्स और नंबर, ठीक है, एट द हेड ऑफ टैक्स। यहाँ पे टैक्स के सिर्फ टॉप पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, कोड में PH और यहाँ के बीच में लिखेंगे SUP टैग और 4 लिखेंगे और ये सीधा इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं ड्रीम वीवर के अंदर। ड्रीम वीवर स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम HTML पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं इन कोड्स का जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एडिट टैब के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसका जो कोडिंग का, कोड का जो व्यू है उसको मैं कर लेता हूँ 16। ओके, ठीक है, अब थोड़ा सा साइज़ का बड़ा हो गया, ठीक है। साथ में जो है हम वेम्प सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम फाइल सेव करेंगे ना, तो इसको हम पहले ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये चल पड़ा यहाँ पे सर्वर, जैसे ये ग्रीन हो जाता है इसका मतलब ये ऑन हो गया, ठीक है, ये ऑरेंज और इसके बाद जो है ये ग्रीन हो जाएगा, अब इसका मतलब कि ये अब चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ से सीधा लोकल होस्ट भी लिख के रन कर सकते हैं और यहाँ से सीधा लोकल होस्ट पे जाके यहाँ पे भी सीधा इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी करेंगे तब भी ये वैसे ही ओपन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में इसको ओपन कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं सीधा ड्रीम वीवर के अंदर जहाँ पे हमने कोड को लिखना है। तो मैं इस फाइल को पहले सीधा सेव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे गूगल को। ओके, ये इसके लिए है जो हमने लोकल होस्ट पे क्लिक किया। तो ये पूछ रहा था कि कौन से वेब ब्राउजर में हमने इसको रन करना है, ठीक है। तो मैं इस फाइल को कर रहा हूँ यहाँ पे सेव, ठीक है, सेव के ऊपर क्लिक किया और इस फाइल का नाम रखते हैं स्क्रिप्ट करके नाम इसका लिख देते हैं, सब और सुपर स्क्रिप्ट है ना, सब और यहाँ पे लिख देते हैं सुपर .html, ठीक है। और ये सेव सर्वर के अंदर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वैसे लिखते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो चेंज कर देते हैं एग्जाम्पल ऑफ सब एंड सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम CO और यहाँ पे लगा देते हैं सब टैग, ठीक है, यहाँ पे सब टैग आ गया और ये टू, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ सेव, ठीक है। अब इस फाइल को हम करते हैं रन, ठीक है,
तो ये जो है लोकल होस्ट है हमारा, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सब सुपर डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे इसने एरर रिक्वेस्टेड यू आर एल नॉट फाउंड। हमने फाइल का जो नाम रखा हुआ है सुपर लिख दिया है इसका नाम, तब ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है। यहाँ पे फाइल का जो नाम है ना, सब की जगह यहाँ पे सुपी है, ठीक है। तो मैं पी कर रहा हूँ यहाँ पे और एंटर, ठीक है। तो CO2, ठीक है। तो ये एट द फुट ऑफ टैक्स लिखेगा, ठीक है। और जो है ये जो सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम सेम कोड ऐसे ही लिखेंगे, जैसे मान लो PH, और जो 4 है वो हमने एट द हेड ऑफ लिखना है, तो यहाँ पे सुप लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो ये देखो PH4 ऊपर आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक यूज कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए, ठीक है। ठीक है, जो CO2 ये फुट में आ गया, ये ऊपर आ गया, इसको सुपर बोलेंगे, ये सबस्क्रिप्ट होगी, ठीक है। तो ये थे सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग्स HTML में। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, वो सेम वैसे ही किया मैंने। यहाँ पे तो सेंटर टैग लगाया हुआ, इसका काम होता है सेंटर में लेके आना। जैसे मान लो ये बीच जैसे यहाँ पे आ रहा है ना लेफ्ट साइड में, तो हम इसको सेंटर में कर सकते हैं सेंटर टैग से। तो हम यहाँ पे अगर सेंटर टैग लगाते हैं ना, इसका मतलब है कि सेंटर में ठीक बीच में, जैसे सेंटर, ठीक है। तो ये इसको सेंटर में लेके आ जाएगा ये, ठीक है। पेज के तो सेंटर का काम ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल का, ठीक है। HTML में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे MS वर्ड के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं, सेम वैसे ही टेबल होता क्या है। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो होता है रोज और कॉलम्स की कलेक्शंस होती हैं, ठीक है। टेबल जो होता है वो रोज और कॉलम्स को ही मिलाकर बनता है, यानी कि ये एक इंटरसेक्शन होती है रोज एंड कॉलम्स की, दैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इन HTML वी कैन क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट डाटा इनटू रोज एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो HTML में हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड इंसर्ट डाटा इनटू रोज एंड कॉलम, और जो डाटा है वो रोज और कॉलम्स में भर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टैग, जो आगे दिए हुए टैग्स उनके और एट्रीब्यूट्स के जरिए, ठीक है। तो टेबल बनेगा टेबल टैग से, ठीक है। दिस टैग डिफाइन द टेबल, टेबल टैग जो है वो टेबल को डिफाइन करेगा कि ये टेबल है। टी आर टैग जो है, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टेबल रो, ठीक है। दिस टैग डिफाइन अ रो इन द टेबल, अब इसका काम होगा टेबल में रो बनाने का, ठीक है। और टी डी टैग जो है, इसका मतलब होता है टेबल डाटा। अब टी डी का काम होता है दिस टैग डिफाइन अ कॉलम इन द टेबल, अब ये जो टेबल है ये कॉल टेबल ये जो कॉल ये जो टैग है टी डी, ये टेबल में कॉलम को डिफाइन करता है, ठीक है। और टी एच का काम भी कॉलम ही डिफाइन करने का होता है। इन दोनों टैग्स का काम सेम होता है, लेकिन ये टेबल का हेडिंग देने के लिए होता है। दोनों से सेम वैसे ही काम होता है, लेकिन ये टेबल का हेडिंग देता है। दिस टैग डिफाइन ए टेबल हेडिंग अलाइक टी डी टैग, सेम टी डी टैग की तरह ही टी एच भी ऐसे काम करता है टेबल में, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो टेबल्स जो होते हैं वो रोज कहाँ पे होती है और कॉलम्स कहाँ पे होती है, तो ये एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको पहले वर्ड के अंदर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्ड, स्टार्ट पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख लेते हैं टेबल। कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि रोज कहाँ को होते हैं और कॉलम्स कहाँ को होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है समझना, फिर आप जो है वो HTML के अंदर भी आसानी से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो MS वर्ड में तो हम बनाते हैं इंसर्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक तो इंसर्ट टेबल से बना देते हैं, जैसे नहीं बनाना हो तो वैसे बना लेते हैं। तो ये है, ये जो इस साइड को होते हैं ना, ये होते हैं कॉलम्स, ठीक है। इनको ये देखो, ये तो है टी आर, ठीक है। ये नीचे वाली टी आर, यहाँ को बोलते हैं हम रोज हैं ये, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ना, फिर
इनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये क्या होते हैं? कॉलम्स। ठीक है, रो यही है, एक ही है, और ये क्या है? इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब ये जो रो है, यहाँ को बोलते हैं, ये रो वन है और ये रो टू है। यहाँ को ये कॉलम जो है वो ये कॉलम वन है, यहाँ पे ये कॉलम टू है, और यहाँ को ये कॉलम थ्री है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ को जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और नीचे को होती हैं रोज। ठीक है, अगर मान लो इसको हमने बनाना है HTML के अंदर सेम ऐसे, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमने दो रोज बनानी है तो उसके लिए दो बार TR TR लिखना होता है हमें। ठीक है, और कॉलम्स के लिए मान लो तीन बनाने तो TD TD करके हमें वैसे ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह का मान लो हमने टेबल HTML में क्रिएट करना हो तो हम उसको बनाते हैं। चलिए चलते हैं Dreamweaver के अंदर, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली करके। ठीक है, मैं एक नया पेज ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे HTML का क्रिएट। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ टेबल नाम से ही, table.html। ठीक है, सेव। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ से सबसे पहले जो टेबल टैग होता है उससे हम इसको शुरू करते हैं, और टेबल टैग के अंदर ही सारा कोड हम लिखते हैं। ठीक है, अब टेबल में जो हमने हेडिंग देने होते हैं ना, वो TH का काम होता है। ठीक है, TH का काम होता है टेबल के हेडिंग देने का। अब देखो यहाँ पे मैंने TD TD तो लिख दिया ना, एक और रो मैं बनाता हूँ पहले, जैसे इसके ठीक ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये आई अब TR1, और ये जो है ये TR2 है। ठीक है, और ये है TR3 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पहले तो हम टेबल के हेडिंग देते हैं, टेबल हेडिंग, इसको बोलते हैं TH टेबल हेडिंग। ठीक है, आपको यहाँ से चीज़ भी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे टेबल का हेडिंग आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर जो है वो टेबल का हेडिंग हुआ ना ये, फिर तो उसको TH करके लिखेंगे, रोल नंबर आ गया, यहाँ पे नेम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गई क्लास। ठीक है, ये चीज़ें समझा रहा हूँ मैं HTML के हिसाब से। और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम 01, और यहाँ पे नाम आ जाएगा जैसे राजेश, और यहाँ पे क्लास आ जाएगी 11 जैसे। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी तीसरी रो में भी, यहाँ पे ये जो TD है ये इसका यानी कि तीसरी रो का ये TD1 है, और ये TD2 है, और ये TD3 है तीसरी रो का। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आएगा रिकॉर्ड 02, और यहाँ पे आएगा सोमेश आ गया, सुनेश आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लास आ गई जैसे 11th। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि रिकॉर्ड जो हम ऐसे भरते हैं, लेकिन HTML में हमें इसके लिए कोड लिखना पड़ता है। अब HTML में हम इस काम को कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे पहले TR से। ठीक है, TR बनाएगी टेबल के लिए रो। ठीक है, एक लाइन बनाएगी, एक रो बनाएगी। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले टेबल का हेडिंग। हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने स्टूडेंट नेम, या रोल नंबर से शुरू कर देते हैं। ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, NUMBER रोल नंबर। ठीक है, TH बंद। यहाँ से एक और अगला बनाना है, सॉरी, यहाँ एक और हेडिंग, टेबल का हेडिंग यानी कि टेबल के लिए एक और कॉलम बनाना है, टेबल हेडिंग वाला कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये क्लोज, और यहाँ पे फिर TH, और यहाँ पे आ जाएगा क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्लास आ जाएगा, यहाँ पे TH क्लोज। ठीक है, ये तो इस TR से एक रो बन जाएगी, उसके अंदर ये तीन हेडिंग आएंगे फिर। ठीक है, TR एक रो बनाएगी, सीधी रो, ठीक है, लाइन बनाएगी, उसके अंदर ये तीन कॉलम ऐड कर देगी हेडिंग वाले, ये हेडिंग वाले कॉलम होंगे। ठीक है, तो इस फाइल को हम रन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी जो फाइल है इसका नाम है table.html। ठीक है, तो ये देखो ये आ गई यहाँ को। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है आपको दिखाने के लिए, मैं पहले यहाँ पे टेबल में बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये दो बॉर्डर लगी। ठीक है, एक रो बनाई, उसमें ये टेबल के हेडिंग आए हमारे पास। ठीक है, एक हेडिंग ये आ गया, दूसरे वाला ये आ गया, तीसरे वाला ये आ गया, और एक ये TR हो गई। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरे वाली बनानी है, निचले वाली, तो एक फिर से हमें TR लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस TR के अंदर अब हम लेंगे टेबल का डाटा TD का काम होगा टेबल के लिए कॉलम डिफाइन करने का। ये भी कॉलम ही बना रहा है लेकिन हेडिंग वाला कॉलम बनाता है। जैसे इसके अंदर लिख देंगे हम रोल नंबर। ठीक है, ये आ गया पहले के लिए, रोल नंबर के नीचे ये आ जाएगा, फिर स्टूडेंट नेम है। ठीक है, इसके लिए फिर TD लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जैसे राजेश कुमार। ठीक है, यहाँ पे TD बंद। ठीक है, यहाँ पे फिर TD शुरू। अब जो क्लास है यहाँ पे नीचे आ जाएगी क्लास, यहाँ पे TD क्लोज। ठीक है,
तो एक नई रो बनाई, ठीक उसके नीचे तीन कॉलम्स ये बनाए इनके नीचे, जैसे रोल नंबर के नीचे ये आ जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट नेम के नीचे ये आ जाएगा और क्लास के नीचे ये आ जाएगी क्लास, ठीक है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे बैक पेज के ऊपर, फिर मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, तो सेम जैसे रोल नंबर के नीचे और स्टूडेंट नेम के नीचे और क्लास के नीचे क्लास, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कई रिकॉर्ड्स जो हैं सेम ऐसे कोड से भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बना रही होगी तो एक और टी आर बना देंगे हम यहाँ पे, एक और टेबल रो, ठीक है, और इस टेबल रो के अंदर तीन और कॉलम बनाएंगे फिर भरने के लिए, ठीक है, टी डी और यहाँ पे रोल नंबर टू, टी डी क्लोज, यहाँ पे टी डी, यहाँ पे आ जाएगा सोमेश कुमार, ठीक है, और यहाँ पे टी डी क्लोज, यहाँ पे टी डी, और यहाँ पे आ जाएगा क्लास इलेवंथ, ठीक है, यहाँ पे क्लास इलेवंथ ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तीन, और अब तीन रिकॉर्ड और एक और रिकॉर्ड इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो हमारा जो है सेकंड रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टेबल्स बनाते हैं हम HTML में, हालांकि यहाँ पे हम ये वाली चीजें नहीं भरते हैं, भरने क्या होता है हमने, हालांकि बना क्या होता है, ये तो डिपेंड करता है कि आप लोग वेबसाइट किस चीज़ के लिए बना रहे हो। वेबसाइट जो है वो एक स्कूल के लिए है, तो उसमें तो बच्चों के मार्कशीट के रिकॉर्ड होंगे, वो आएंगे टेबल्स के अंदर, ठीक है। तो जो मैं ये बना रहा हूँ आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ से की टी एस से टेबल हेडिंग बन रहे हैं, टी डी से इसके कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है, टी आर से टी रो बन रही है, ठीक है। तो ये वाले एट्रीब्यूट, ये जो सॉरी ये जो टैग्स हैं आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, टेबल से टेबल डिफाइन हो रहा है, टी आर से टेबल की रो बन रही है, टी डी से टेबल के अंदर हम डाटा भर रहे हैं, टी आर से टेबल का हेडिंग देना उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आती है बिर्थ, इट स्पेसिफाइड द बिर्थ ऑफ द टेबल इन नंबर ऑफ पिक्सल और परसेंटेज में भी हम इसकी बिर्थ रख सकते हैं, बिर्थ रखेगा ये टेबल की चौड़ाई, ठीक है, कितना रखा है हमने टेबल को, तो इसकी जो बिर्थ है वो हम यहाँ पे टेबल की बिर्थ हम यहाँ पे बॉर्डर तो मैंने पहले यूज़ कर लिया यहाँ पे, अब ये टेबल की जो बिर्थ है वो डिफाइन करेंगे कि ये 50% जो है बड़ी इसकी जो बिर्थ है वो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और हम इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखो 50% में, तो इस तरह से हो जाएगी ये, ठीक है, इसकी बिर्थ बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। बॉर्डर, इट स्पेसिफाई द बॉर्डर ऑफ द टेबल इन नंबर ऑफ पिक्सल, अब ये जो है ना टेबल का बॉर्डर जो है, ये टेबल के लिए ये जो हमने अभी शुरू में यूज़ कर लिया, देखो बॉर्डर एक लगाई, मतलब ये इसका बता रहा है साइज कितना रखना है, दो, तो ये दो के हिसाब से फिर बॉर्डर रखेगा, ये देखो मोटाई जो है बॉर्डर की, ठीक है। तो ये टेबल का बॉर्डर डिफाइन करेगी ये, ठीक है, बॉर्डर आ गया, बिर्थ आ गई टेबल की। उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है फ्रेम, इट स्पेसिफाई विच साइड्स ऑफ द टेबल आउटर बॉर्डर आर विजिबल, अब ये जो होती है मान लो हमने बॉर्डर नहीं रखनी है, बॉर्डर क्या कर रही है टेबल के चारों तरफ और उसके कॉलम्स को भी बॉर्डर्स लगा रही है, ठीक है, यहाँ पे बीच में भी इसको सेपरेट कर रही है, मान लो हमने बॉर्डर्स नहीं लगानी है, एक फ्रेम लगानी है चारों तरफ, एक सराउंडिंग में एक बॉर्डर लगानी है, ना कि ये बीच में सेल्स के लिए लगानी है, तो उसके लिए हमारे पास रहेगा एक फ्रेम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बॉर्डर को हटा दूंगा और मान लो हमने फ्रेम यूज करनी है, देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिर फ्रेम, ठीक है, और फ्रेम जो वो कैसे लगानी है, एब भी लगानी है, ये पूरा बॉक्स भी लगाना है, ठीक है, तो बॉक्स में ये चारों तरफ लगाएगी ये सराउंडिंग में, ठीक है, यहाँ पे देखना आपने फ़र्क क्या पड़ेगा, बॉक्स में लगाएंगे तो बीच में से ये सारा हट जाएगा जो भी है बीच में से, ठीक है, और कॉलम से इस तरह से आएंगे फिर ये, ठीक है, ऐसे दिखाएगा ये। अगर मान लो बॉक्स नहीं बनाना है, फ्रेम जो है हमने रखनी है, या फिर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको बॉर्डर भी लगा देते हैं एक वाला, देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे हम जिसको फ्रेम जो है वो बॉक्स लगाते हैं, ठीक है, बॉर्डर भी रख लेते हैं और ये भी रख लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ही चला जाएगा, यानी कि फ्रेम का काम जो है वो सराउंडिंग में फ्रेम लगाने का है, इसीलिए मान हमें जरूरत तो पड़ जाती है कि हमने बॉर्डर नहीं लगानी है, हमने बॉक्स लगाना है चारों तरफ रिकॉर्ड को दिखाने के लिए, तो हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो आगे पीछे आ रहे हैं ना सारी चीज़ें, ये आगे पीछे बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, ठीक इनके नीचे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है टेबल में एक अलाइन एट्रीब्यूट रहता है हमारे पास, इसका काम होता है सेंटर में लाने का, लेकिन देखते हैं कि कैसे सेंटर में, ये टेबल को सेंटर में लाने के लिए, लेकिन ये जो टेबल के अंदर ये जो रिकॉर्ड आगे पीछे दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए हमें जो अलाइन एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे वो हम यूज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे टी आर है, इसके लिए लाइन यहाँ पे सेंटर, ठीक है। अब ये भी चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या करती है टी आर को अगर हम सेंटर में करते हैं,
तो यही तो वैसे ही सेंटर में रखा हुआ इसने रिकॉर्ड। अब बात करते हैं कॉलम्स की, तो ये जो है इनके लिए हमें अलग यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंटर में रहे, और ये जो है ये भी सेंटर में ही आए, ठीक है, और क्लास जो है क्लास भी सेंटर में ही आए, ठीक है। अलाइनमेंट और भी हैं इसके लिए, ये भी सेंटर में आए, ठीक है, इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर में ही आए। अलाइन हम यूज़ करते हैं ना जैसे एमएस वर्ड में भी करते हैं हम अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ठीक है, तो सेम वैसे ही है ये अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे अलाइन सेंटर, अलाइन अलाइन सेंटर, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे अलाइन और ये सेंटर, ठीक है, सेव। अभी हम यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश, तो ये देखो बिल्कुल ठीक नीचे आ जाएगा, ठीक है। टेबल का जो सेंटर वो टेबल को सेंटर में लाएगा, जो टीडी और टीआर के अंदर लिखेंगे वो इनको सेंटर में रखेगा, ठीक है। मान लो हमने बॉर्डर नहीं यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है फ्रेम, तो फ्रेम के लिए एक चीज़ है। फिर अब देखो फ्रेम के लिए जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, अब इसके ये जो है फ्रेम, ये टैग है, ये जो इसके अंदर फ्रेम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो टेबल है ना, टेबल जो है वो टैग है, ये जो अंदर यूज़ कर रहे हैं हम इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे टी आर है ये टैग है, टी एच है टैग है, इसके अंदर लाइन यूज़ किया तो ये इसका एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। ये टी डी है टैग है, ये इसके अंदर ये लाइन यूज़ किया ये इसके एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बॉक्स की, मान लो बॉक्स नहीं लगाना है हमने फ्रेम के लिए, हमने लगाना है अबव, ठीक ऊपर ही आए, मतलब बॉर्डर ये जो इसका फ्रेम बने, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके, तो ये ऊपर ही लगाएगा, अबव ही लगाएगा ये देखो, ठीक है, अबव ही लगाएगा ये। फिर मान लो बिलो लगानी है तो ये बिलो में लगाएगा, हॉरिजॉन्टल साइड में लगानी तो हॉरिजॉन्टल साइड में लगाएगा, वी साइड में लगानी तो वी साइड में लगाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लगानी तो लेफ्ट हैंड साइड लगाएगा। तो ऐसे भी हम स्टाइलिश बनाने के लिए टेबल को इनका हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अबव में नहीं लगाना है तो हमने लगाना है इसको फ्रेम, एक बॉर्डर भी आ जाती है फ्रेम के लिए, ठीक है। मान लो राइट हैंड साइड लगाना है, ये वॉइड मतलब होता है जीरो, लगानी ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं लगाना है फ्रेम में, ठीक है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी साइड मतलब वर्टिकल साइड में लगाना है, तो वर्टिकल साइड में ये इस तरह से, ये दोनों वर्टिकल साइड में इस तरह से लगाएगा। मान लो हॉरिजॉन्टल साइड में लगाना है तो हॉरिजॉन्टल साइड में लगाने के लिए एच साइड वाला एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, ठीक है, एच साइड, तो ये हॉरिजॉन्टल साइज में लगाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये टेबल को स्टाइलिश बनाने के लिए हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट जो हम यूज़ कर सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है फॉर नो बॉर्डर, एब मतलब फॉर टॉप बॉर्डर, बिलो मतलब फॉर फॉर बॉटम बॉर्डर, एच साइड मतलब फॉर टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, वी साइड फॉर लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, ठीक है। एल एच एस मतलब फॉर लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लगाएगा, आर एस मतलब ये राइट हैंड साइड में बॉर्डर लगाएगा। तो ये था फ्रेम टैग, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट भी आपको क्लियर हो गया। बाकी अब बात करते हैं सेल स्पेसिंग की, तो सेल के बीच में हम कितनी स्पेसिंग रखनी है ये उसके लिए है। इट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन एजेस ऑफ द सेल्स इन द टेबल, द वैल्यू मे बी नंबर ऑफ पिक्सल और एज ए परसेंटेज। हम वैल्यू को पिक्सल में भी ले सकते हैं, मतलब परसेंटेज का अगर हम साइन नहीं लगाते तो वो पिक्सल में ही होती है वैल्यू, उसको ये कंसीडर करेगा पिक्सल फिर, ठीक है, अगर परसेंटेज लगा देते हैं तो इसको परसेंटेज में कंसीडर करेगा ये, ठीक है। इट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन एजेस ऑफ द सेल इन द टेबल। अब सेल स्पेसिंग से लग रहा है कि ये सेल के बीच में स्पेसिंग को एडजस्ट करेगा। सेल स्पेसिंग को समझने के लिए मैं यहाँ से पहले फ्रेम को हटा रहा हूँ ना यहाँ से, और यहाँ पे मैं सिंगल लगा रहा हूँ एक बॉर्डर, ठीक है, तभी आपको जो है स्पेसिंग भी समझ आएगी कि बाकी जो है स्पेसिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। ये मैंने बॉर्डर लगा दिया, अब देखो सेल स्पेसिंग कैसे करनी है हमने सेट। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग, ठीक है, सेल स्पेसिंग जो है हम रख लेते हैं यहाँ पे 10%, परसेंटेज में रख सकते हैं ऐसे होगा तो ये पिक्सल में माना जाएगा, ठीक है, परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज में, ठीक ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये इसको तो अभी इतना सही लग रहा है ये। अब मैं इसको अगर मान लूँ यहाँ से सेल की जो स्पेसिंग है इसको मैं बढ़ा देता हूँ 40%, ठीक है, तो 40% में देख लेते हैं कि कितना करेगा इसको, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, परसेंटेज में ये उठा नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको ले रहे हैं पिक्सल में तो ये पिक्सल में उठा रहा है, हालांकि जो थ्योरी में लिखा हुआ है वैसे काम नहीं कर रहा है, यानी कि परसेंटेज में लेते हैं तो परसेंटेज में ये काम नहीं कर रहा है लेकिन पिक्सल में काम कर रहा है। तो ये है स्पेसिंग सेल की।
अगर ये स्पेसिंग जो है हमने 5 की रखनी है तो ये 5 में ही देगा फिर स्पेसिंग, ठीक है। सेल के बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है, तो ये बीच में ये देखो ये वाली स्पेसिंग है, ये जो बीच में खाली जगह छोड़ रहा है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम सेल स्पेसिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है अलाइन। स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल इट टेक्स वैल्यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अब ये जो अलाइन एट्रीब्यूट है ये हमने यहाँ पे यूज किया था, ये लेफ्ट राइट सेंटर, टेबल को हमने किस साइड में रखना है उसके लिए है ये, ठीक है। तो मान लो हमने टेबल को रखना है राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो ये कर देगा, ये देखो राइट में शिफ्ट टेबल को, ठीक है। लेकिन मान लो हमने इसको करना है सेंटर में, तो ये इसको करेगा ये फिर, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, ये सेंटर में रखेगा टेबल को फिर। ये मिडल में रखना हो तो मिडल के लिए फिर अलग से है, ठीक है, मिडल के लिए अलग से हम इसमें जो है स्टाइलिंग यूज़ करते हैं मिडल में रखने के लिए, इसके लिए अलग से यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं है, वो CSS में है, केस स्केलिंग स्टाइल शीट, एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे हम ब्रेक से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेबल को हमने मान लो नीचे लेके आना है तो वो काम हम ब्रेक से भी कर सकते हैं कि ब्रेक लगाते जाएँ और हमारा टेबल जो है वो एक लाइन से टूट के नीचे उतर जाए। तो हालांकि ये वाली जो चीज़ है हम नहीं करते हैं, एक्चुअली जो है प्रोग्रामर जो होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं, वो ये काम करते हैं CSS से, ठीक है। तो हम ये काम जो है वो BR टैग से नहीं करेंगे, ठीक है, इसके लिए CSS होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो शुरू होती है स्टाइल टैग से, ठीक है, STYL से स्टाइलिंग का काम करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल क्लोज है। अब देखो जो टेबल को हमने दिखाना, तो टेबल के लिए हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे टेबल, और टेबल जो है वो उसकी जो मार्जिन है टॉप में से जो है वो छोड़ना चाहिए, परसेंटेज में छोड़ देते हैं, या पिक्सल में, यहाँ पे पिक्सल में रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 300 पिक्सल जो है इसका जो है वो टॉप में से होना चाहिए नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हैश को हटा देते हैं, कभी कभी हैश यूज आईडी का यूज़ कर लेते हैं, हमें यहाँ पे एक और टैग यूज़ करना पड़ेगा फिर आईडी, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा टैब, ठीक है। तो यहाँ पे बाय आईडी फिर हम इसको कॉल करेंगे हैश टैब करके, कि इसका जो है ये टेबल जो है वो 300 पिक्सल के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो बीच में आ गया बिल्कुल सेंटर में। तो ये काम होता है हमारा, एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, आपको प्लस टू में सिखाई जाएगी, ठीक है, स्टाइल स्टाइलिंग का काम करती है। तो इस तरह से हमारा टेबल जो है वो बीच बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा, सेंटर में तो था लेकिन मिडल में आ जाएगा, ठीक है। बीजी कलर, इट स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। अब ये जो बीजी कलर एट्रीब्यूट है मैं शुरू से बता रहा हूँ, उसका काम होता है बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। तो बीजी कलर से हम टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टैग ज़्यादा हो गए तो मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ टैग को, ठीक है, बीजी। और टेबल का जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं रख रहा हूँ, जैसे मान लो ये वाला रखना है हमने, थोड़ा सा लाइट कलर रखना है, तो ये बैकग्राउंड का बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा टेबल का, ठीक है। तो ये टेबल का जो बैकग्राउंड का कलर है उसको बदल देगा ये, ठीक है। तो ये बीजी कलर रहेगा, हम बैकग्राउंड में पिक्चर भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज फॉर द टेबल, ठीक है। तो मान लो हमने बीजी कलर नहीं रखना है, हमने बैकग्राउंड रखनी है टेबल के लिए पिक्चर वाली, तो बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे पिक्चर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, JPG नाम से 11.jpg लिखा, सीधा सर्वर से उठा लेता है, ठीक है, क्योंकि हमने बैम्प के अंदर रखा हुआ है पिक्चर्स को। हो सकता है कि 11 नंबर से ये देखो बैकग्राउंड में पिक्चर आ रही है, लेकिन ये जो कलर आ रहा है ना इनका, इस कलर के ऊपर ये पिक्चर जो है फिर दिखाई नहीं दे रही है। तो एक और पिक्चर है, मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, और बाकी आपको मैं कलर चेंज करना भी बता देता हूँ, टेबल के जो फॉन्ट्स होते हैं इनका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है बैकग्राउंड में तो पिक्चर है लेकिन फिर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ये, तो हम क्या करते हैं फिर यहाँ पे फॉन्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो है सारा का सारा इसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है वो भी हम यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से देखते हैं कि इसके लिए कलर एट्रीब्यूट है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखो हमने ये जो इसके अंदर टेक्स्ट है इनका कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर ये काम हमने फॉन्ट से करना है तो फॉन्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टाइलिंग का काम जो है वो बाहर से हो जाता है, सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है, यहाँ पे एक एक करके लिखना पड़ना था, या भी आप फॉन्ट यहाँ पे लिखते हो यहाँ पे क्लोज करते, तो ये काम वहाँ से हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से
हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का जो है बैकग्राउंड जो है वो एज ए पिक्चर भी रख सकते हैं, ठीक है, और कलर रखना तो कलर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे तीन एट्रीब्यूट बच रहे हैं, एक कॉल स्पैन, रो स्पैन है और एक सेल पैडिंग है, ठीक है। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ ये जो बचे हुए हैं। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।